तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। 21 जून से 24 जून तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 22 जून को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वागत में व्हाइट हाउस में रात्रि भोज का भी आयोजन करेंगे। 1200 ट्रेन हादसे को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। इंटरलॉकिंग सिस्टम में हुई थी छेड़छाड़, हादसे की सीबीआई जांच शुरू। योगी की चेतावनियां, एनकाउंटर का खूब धड़ाधड़, कोर्ट में सरेंडर कर रहे यूपी के माफिया, पुलिस भी हैरान। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर दिल्ली पुलिस ने दी दबिश। यौन शोषण मामले में सांसद की वर्किंग और रवैये को लेकर 15 लोगों से की पूछताछ। के अंदर छिपे दुश्मन भी नहीं बच पाएंगे। मेड इन इंडिया हेवीवेट टॉरपीडो ने नौसेना को दी बड़ी ताकत। 9 जून को जंतर मंतर पर नहीं होगी महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत बोले पहलवानों के कहने पर लिया फैसला। 16 जून को प्रभास की आदि पुरुष रिलीज होगी। स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों के साथ लॉर्ड हनुमान भी देखेंगे फिल्म आदि पुरुष। अभी थिएटर की पहली सीट बजरंग बली के लिए बुक। चीन की अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका, पिछले कुछ समय से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आई भारी गिरावट। पहलवानों के समर्थन में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, बोले ब्रजभूषण का साथ देने वाली सरकार को भी लोकसभा चुनाव 2024 में खदेड़ कर घसीटना होगा। लखनऊ में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार के अध्यादेशों के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। मनुष्य पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए दुनिया अपनाएगी वन हेल्थ दृष्टिकोण, G20 समिट में लिया गया फैसला। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल ध्वस्त होने के बाद एक्शन में बिहार सरकार, ब्लैक लिस्ट होगी पुल निर्माण कंपनी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निलंबित। यूपी कांग्रेस को मिलेगा नया प्रभारी, सूत्रों का दावा पदभार छोड़ सकती है राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। अक्साई चीन इलाके में चीन ने बनाया आधुनिक कैंप और हेलीपोर्ट। सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके तैयार की गई रिपोर्टों में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। द केला स्टोरी के बाद आवाज में 92 फिल्म को लेकर बढ़ा विवाद। दरगाह के सचिव बोले खादिमों और मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश। इतिहास रचेंगे पीएम मोदी, अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले बनेंगे पहले प्रधानमंत्री। भारत एक जीवंत लोकतंत्र, दिल्ली जाइए और खुद देख लीजिए। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के बीच व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, बीजेपी बोले यूएस ने गांधी के मुंह पर मारा तमाचा। ओडिशा ट्रेन हादसे में 101 मृतकों की अब तक नहीं हुई पहचान। 55 शव परिजनों को सौंपे गए, हादसे की सीबीआई जांच शुरू। भारत दौरे पर आए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन, डिफेंस डील पर बोले नए दौरे में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। इंतजार हुआ खत्म, अब जम्मू कश्मीर में भी होंगी तिरुपति बालाजी के दर्शन। 8 जून को पहली बार खुलेंगे कपाट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वो मोहब्बत की दुकान नहीं नफरत का शॉपिंग मॉल। अब यूपीआई के जरिए एटीएम से ले सकते हैं नकदी। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली बार शुरू की व्यवस्था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री की जीत के कारण हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हारी भाजपा। पंजाब में खड़ा हो सकता है बिजली संकट, सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को पत्र लिखकर सेंट्रल पुल से बिजली देने की मांग। भाजपा को कमल, आपको झाड़ू, जेजेपी को मिला चाबी का निशान। नगर निगम के महापौर और सदस्यों के चुनाव के लिए हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की चिन्हों की सूची। नए सिरे से बनेगा भागलपुर पुल, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले कंपनी से वसूलेगी राशि, कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा खर्च। कर्नाटक में किराए पर रहने वालों को भी मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, सीएम सिद्धारमैया ने किया ऐलान। जयपुर में बीजेपी का जन आक्रोश, मार्च 13 जून को प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बोले राजस्थान में 4.5 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी ने बनाई 7 सदस्यीय कोर कमेटी, 15 सीटों पर ताल ठोकेगी पार्टी। कर्ज चुकाने के लिए सऊदी अरब को परमाणु बम बेचेगा पाकिस्तान, ISI के करीबी ने बनाया खतरनाक प्लान। जरूरत पड़ी तो जादू दिखाकर कमाएंगे पैसे, लोगों को नहीं होने देंगे निराश, जोधपुर में बोले सीएम अशोक गहलोत।
अगर बीजेपी सहयोगी दलों को सम्मान देगी तो कुछ भी असंभव नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बोले अकाली दल सांसद महेश चंद्र सिंह ग्रेवाल। रिटायरमेंट फंड बॉडी इक्विटी में निवेश बढ़ाने पर विचार कर रहा ईपीएफओ, वित्त मंत्रालय से जल्द ले सकता है मंजूरी। कानपुर प्रयागराज रेल लाइन पर सियालदह से अजमेर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, यात्रियों ने चेन पुलिंग कर खिड़कियों से कूद कर बचाई जान। यूपी में किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 17,000 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशाला से मिलेगी ट्रेनिंग। बालासोर रेल हादसे में रिलायंस फाउंडेशन ने पीड़ितों की ओर बढ़ाया मदद का हाथ, नौकरी और मुफ्त राशन समेत 10 राहतों का किया ऐलान। 215 सिख श्रद्धालु जाएंगे पाकिस्तान, जारी हुआ वीजा, गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस पर प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों के करेंगे दर्शन। गो हत्या पर बयान देकर फंसे सिद्धारमैया के मंत्री के वेंकटेश, बेंगलुरु में गाय लेकर सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता। भागलपुर में पुल ढहने पर नीतीश सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव बोले, हम बना रहे भाजपा गिरा रही है, पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। एक दो नहीं डब्ल्यूटीसी फाइनल में रिकॉर्ड के ढेर लगाएंगे किंग कोहली, टूटेगा सचिन पोटिंग का बड़ा कीर्तिमान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द ओवल में आज से शुरू होगा मुकाबला। ओडिशा रेल हादसे में अपनों को खोजना हुआ आसान, घायल व मृतकों की पहचान के लिए रेलवे ने जारी किए 3 लिंक। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए गए इंडियन ओपिनियन अखबार के 120 साल हुए, पूरे फिनिक्स बस्ती में प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। कांग्रेस से सचिन पायलट का मोह भंग, बना सकते हैं प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से नई पार्टी, जल्द होगा ऐलान। आकाओं के हाथों की कठपुतली, कांग्रेस ने की महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे की आलोचना। अब जेल गए तो बजा देंगे ईंट से ईंट, पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के बाद बेटे चेतन ने दी बीजेपी को धमकी। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, रूस में आई इमरजेंसी लैंडिंग। घुटने की सर्जरी कराकर रांची पहुंचे एमएस धोनी, मोहम्मद कैफ ने की माही से मुलाकात। ओडिशा रेल हादसा टीएमसी की साजिश, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बोला ममता बनर्जी पर बोला हमला, पूछा सीबीआई जांच से डर क्यों। ईएमआई भर रहे लोगों को 8 जून को मिल सकती है खुशखबरी, शुरू हुई आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। बीबीसी ने किया स्वीकार, भारत में कम टैक्स चुकाया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बोले एजेंडा के तहत करते हैं ये काम।